दोस्तों YouTube पर वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा माइक लेना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे पास बोया का माइक पहले से काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बोया माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास आ चुका है बोया माइक अनबॉक्सिंग के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये अमेजोन से मेरे पास आ गया है, इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इससे पहले भी मैंने बोया माइक पर एक वीडियो बना दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद मैं दोस्तों इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा इसके साथ क्या क्या मिलता है, उसको सेटअप कैसे करना है इसका। इसमें दोस्तों फेक और ओरिजिनल दो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो फेक और ओरिजिनल आपको पता होना चाहिए कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। तो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद में इस अमेजोन का जो पैकेट मेरा है इसमें बोया माइक है दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करने के आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसके साथ हमारे पास आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग मेरे पास बॉक्स पहले से आ चुका है, ये अमेजोन से मैंने मंगवाया है अनबॉक्सिंग के लिए। पूरा डिटेल में इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे पास क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको फटाफट से मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद में बोया माइक को अपने बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मेरा बोया माइक आया हुआ है। तो चलिए इसको फटाफट से ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा। हमारे बॉक्स में सिर्फ एक ये स्लिप मिलेगी, उसके बाद में ये बोया माइक का बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। और इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो ये है बोया माइक, इसको आगे से पीछे से सब कुछ आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल में। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें ओरिजिनल और फेक क्या होता है, तो वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। वैसे आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों। जो आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो इसमें डुप्लीकेट बोया माइक आता है, यहाँ बोया माइक इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ छोटा सा आर बना हुआ होता है, तो उसका यही मतलब है कि दोस्तों वो फेक बोया माइक है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसको चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं, उसके बाद में लाइव टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा बोया माइक आया मेरे पास और ये काम करेगा। इस तरीके से इसको ओपन करके इस तरीके से इसको निकालेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ एक बैग मिलता है छोटा सा, जिसमें बोया माइक हम अपना रख सकते हैं। उसके बाद में कुछ यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसको आप लोग रीड कर सकते हो यूज़ करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मतलब पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया किस तरीके से बोया माइक को यूज़ करना है, पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये बॉक्स कितने अच्छे क्वालिटी से हमारे पास आया है, यहाँ भी बोया लिखा हुआ है तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल भी ओरिजिनल है। उसके बाद में आगे भी इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, हमारे बॉक्स में देख सकते हो आप लोग यहाँ एक स्टिकर मिलेगा बोया का, आप लोग देख सकते हो ये भी क्वालिटी सर्टिफिकेट का इसमें स्टिकर भी मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बोया माइक हमारा बिल्कुल भी ओरिजिनल माइक है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये एक छोटा सा पॉलीथीन के अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें कुछ प्रोडक्ट आए हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको बाद में बताऊंगा किस लिए ये आता है। उसके बाद में एक यहाँ देख सकते हो दोस्तों ये नॉइस रोकने के लिए इसमें रबर की तरह होता है, ये इसको लगाया जाता है, आगे सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। बाकी एक इसमें एक सेल छोटा सा मिलता है जिसको इस बोया माइक में लगता है, आगे मैं इसको लगाकर भी दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा कितने अच्छे तरीके से इसको लगाना है। तो आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा इसमें सेल भी मिलता है जिसे बैटरी हम लोग भी बोल सकते हैं, और ये एक पिन मिलता है जिसको हम कॉलर में अपने लगा के यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो एक हमें कॉलर पिन मिलता है अच्छे तरीके से, इसको यूज़ करके हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको सेटअप कैसे करना है उसके बाद में पूरा डिटेल में देख सकते हो दोस्तों, इसकी वायर कितनी अच्छी क्वालिटी है और ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी से हमारा बोया माइक आया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे, वैसे बैटरी इंसर्ट करने के लिए जो सेल हमारे पास आया है इसको इंसर्ट करेंगे। तो इसको इंसर्ट करने के लिए इसको ओपन करेंगे, उसके बाद में इस तरीके से लगाएंगे। आप लोग देख सकते हो इसको उल्टा और सीधा आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से लगाना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जिस तरफ स्प्रिंग लगी हुई है उस तरफ ये वाला प्लस वाला आइकन लगाना है और ये वाला आगे की तरफ रहेगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हो स्प्रिंग की तरफ ये पीछे वाला रहेगा, ये आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसको लगाया जाता है, इस तरीके से इसमें डाल देना है सिर्फ, और आपका ये जो सेल है वो अच्छे तरीके से लग जाएगा। उसके बाद में फिर इसको बंद कर देना है इस तरीके से। तो हमारा बोया माइक इस तरीके से इसमें बैटरी लग चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं ये कॉलर पिन किस तरीके से लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ एक ऑप्शन बना हुआ है और इसमें भी एक ऑप्शन बना हुआ है इसको फिट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ रखकर हल्का सा पुश कर देंगे तो ये हमारा बोया माइक में इंसर्ट हो जाएगा इजी तरीके से। उसके बाद में हम लोग इसको अपने कॉलर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसको जो नॉइस रोकने के लिए ये आता है फोम की तरह होता है, इसको भी लगाना पड़ता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ लगा सकते हो आप,
तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, मैंने फोम भी इसमें लगा दिया है, अच्छे तरीके से इसमें लग चुका है। इसका यही फायदा हो कि जब आप बोलोगे तो इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और इसको अगर ख़राब हो जाता है तो कभी मिलता नहीं है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ख्याल में रखकर उसके बाद में इसकी हिफाजत करनी है अच्छे तरीके से, जिससे इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी आने लगती है। तो इस तरीके से हमारा बोया माइक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बोया माइक मैंने अनबॉक्सिंग कर दी। अब इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से यूज़ करना है। तो ऑप्शन आपको दो ऑप्शन इसमें मिलेगा, जैसे इसमें स्मार्टफोन और कैमरा मोड दो ऑप्शन इसमें होते हैं। जैसे अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो स्मार्टफोन पे ये रहेगा, अगर DSLR में यूज़ करना है तो ये कैमरा मोड पे रहेगा, तभी ये काम करेगा। जैसे एग्जांपल मुझे कैमरा में यूज़ करना है तो ये कैमरा मोड में करके मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। जो ये अभी वीडियो आप सुन रहे हो ये दोस्तों मेरा पुराना वाला बोया माइक है। अब मैं नए वाले बोया माइक से आपको आवाज़ अपना सुनाऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या कोई फ़र्क दिखता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसकी वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ किस तरीके से इसकी वॉइस है। तो दोस्तों अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो ये नए वाले बोया माइक की वॉइस है, आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने इसको अपने कॉलर में इस तरीके से लगा लिया है। इसमें फोम भी होता है तो इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं जाती, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क लग रहा होगा। अगर आप लोगों को फ़र्क लग रहा है तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो अब इस बोया माइक की वॉइस किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो बोया माइक था ये पुराना वाला लगभग दो साल पुराना हो गया है। उसके बाद में जो इसकी बैटरी होती है वो ओरिजिनल बैटरी नहीं मिल पाती, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं या फिर बैटरी बोल सकते हो, ये ओरिजिनल बैटरी नहीं मिल पाती, जिससे इसकी ख़राब हो जाती है। उसके बाद में जो इसके ऊपर फोम लगा होता है दोस्तों, ये मेरा ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मतलब इसकी हिफाजत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये जब ख़राब हो जाता है या फिर निकल जाता है तो आपको दोबारा ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए इसको संभाल कर रखना है। तो इसमें फोम जो लगा हुआ है दोस्तों, ये आपका बैकग्राउंड नॉइस रोकता है, जिससे आपकी वीडियो में या ऑडियो में बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा अगर फ़र्क लगा हो तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये बोया माइक परचेज़ करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसी बोया माइक के ओरिजिनल बोया माइक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।